नारी वंदन है, नारी अभिनंदन है, नारी सम्मान है, नारी अभिमान है, जिसको लेकर के अब दिल्ली में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 18 साल से प्लस महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात की है। क्या वाकई में ये महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव का बस एजेंडा है? क्योंकि हम दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी भी महिलाओं को लेकर के 100 रुपये LPG सिलेंडर के दामों में कटौती की है। क्या वाकई में ये नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है? क्योंकि नारी वंदन है तो नारी अभिनंदन है, यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद है, मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा, ये सभी दिल्ली की महिलाएं हैं जो आज यहां पे पहुंची हुई हैं। मैं सीधे इनसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से केजरीवाल जी ने ये एक ऐलान किया है कि दिल्ली के महिलाओं को 1000 रुपये हर एक महीना दिया जाएगा, क्या वाकई में ये सही है? बिल्कुल सही है। ये केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है महिला सशक्तिकरण के लिए, और जो केजरीवाल जी कर सकते हैं वो बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी झूठे वादे ही करती है, और आज तक मैंने ये नहीं देखा कि बीजेपी सरकार ने कोई महिलाओं के लिए कुछ निकाला है या कुछ कह के और छोड़ देते हैं, ये कुछ करते नहीं है, झूठे वादे हैं इनके। और जो हमारे यहाँ केजरीवाल जी जो काम करते हैं ना, वो कोई नहीं सरकार कर सकती। और केजरीवाल जी का काम हमारे को सभी को अच्छा लगता है, मैं केजरीवाल जी को दोबारा भी लाना चाहूंगी और मैं केजरीवाल जी को ही वोट दूंगी। और मेरी जितनी भी चांदनी चौक की विधानसभा की लेडीज हैं, जेंट्स हैं, वो सभी आम पार्टी को वोट देना समझेंगे और आम पार्टी को जिताना चाहेंगे। लेकिन इससे महिला सशक्तिकरण में कितना बढ़ावा आएगा, क्योंकि देखा जाए तो 1000 रुपये का जो अमाउंट है वो काफी कम है, लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए 1000 रुपये भी काफी है, दो बच्चे का फीस आ जाएगा उसमें, तो कैसे आप इसको देखते हैं? मेरे भाई हैं केजरीवाल जी, उन्होंने हम बहनों को 1000 रुपये का तोहफा देकर बहुत बड़ा हमारे लिए काम किया है। क्योंकि जैसे कि देख लीजिए आप, हम जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारे रिचार्ज कराने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे पति कहते हैं कि तुम्हें तो हर महीने पैसे चाहिए, तुम्हें हर महीने पैसे हम देते हैं। और हम पार्टी के लिए भी धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, उनमें भी हमारा पैसा खर्च होता है। लेकिन अब हमारे भाई ने हमें ये 1000 रुपये देकर महिला सशक्तिकरण को ही बढ़ावा दिया है, और हम सब बहनों को इससे बहुत सारा। अमूमन देखें तो सभी पार्टियां महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिला शक्ति जो है वो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है महिला चांद पे गई हैं तो महिला ट्रेन भी अब चलाती हैं, तो कैसे देखते, क्योंकि मातृशक्ति सबसे बड़ा शक्ति माना जाता है। अब केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये ऐलान किया है कि 1000 रुपये हर एक महिलाओं को दिया जाएगा, तो किस तरह से इसको आम महिला देखेगी? वैसे तो 1000 रुपये की आजकल के महंगाई के अंदर कोई ज़्यादा अहमियत भी नहीं है, लेकिन जब अपने लिए पर्सनल चीज़ आती है तो उसमें, जैसे हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग घर से निकलते हैं तो घर वाले यही पूछता तुम्हें मिलता क्या है, क्योंकि किसी कार्यकर्ता को कोई आने जाने का खर्चा नहीं मिलता है, किसी कार्यकर्ता को कोई वो नहीं मिलता कि तुम आओगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो हम लोग जितनी बार अपनी जेब से वैसे खर्चे करते हैं, चाहे हम रिक्शे का किराया करें, चाहे हम बस का करें, चाहे मेट्रो से करें, और जो दूर से हो तो उन्हें ज़्यादा लगता है। जब महिला को शक्ति प्रदान करने के लिए ये एक बल साबित हो सकता है जी। अब ये है कि जैसे घर वाले कहते हैं आपको मिलता क्या, जाती हो उल्टा तुम घर के पैसे खर्च कर रही हो इतनी महंगाई में, तो आप कम से कम कह सकते हैं यार इतना तो मिलता है कि हम किराया कर लें अपना, हम अपनी लाइफ अब और अच्छे से जी सकते हैं। घर में कोई रोकता नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग अपने हक के लिए, छोटे मोटे अपने पैसे के लिए, कि हाँ भाई अब किराए के लिए हम घर खर्च में से खर्च नहीं कर रहे। लेकिन देखे तो चुनावी का माहौल है, बहुत ही जल्द लोकसभा चुनाव होने वाला है, वहाँ बीजेपी भी ऐलान करे कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए हम 100 रुपये LPG सिलेंडर के दामों में घटौती कर रहे हैं, तो कैसे आप देखते हैं? सारे वादे सच्चे हुए हैं क्या? बीजेपी के बराबर झूठ अगर कोई बोल सकता है ना, वो दूसरा कोई बंदा ही नहीं है। और जहाँ बात की जाए अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने जो कहा है आज तक वो बिल्कुल सच कहा है, और सारी बातों पर वो खरे उतरे। आप ये कह रहे हैं इसलिए 100 रुपए मोदी जी ने कम कर दिया LPG सिलेंडर के ऊपर, 400 रुपए से 1000 रुपए का भी तो मोदी जी ने ही किया, वो 400 रुपए कम थे या 100 रुपए ज्यादा है, आप ये बताइए मुझे। ये सिलेंडर अब इतना महंगा कर दिया है, 1150 का सिलेंडर है, बताओ हद होगी। दिल्ली की महिलाएं लोकसभा चुनाव में किसके साथ खड़ी हैं? केजरीवाल, केजरीवाल को ही वोट देंगे और उसके साथ ही है हम लोग, और उसके साथ ही रहेंगे। तो कितना फर्क पड़ेगा इस 1000 रुपये से एक आम महिलाओं को, क्योंकि देखा जाए तो 1000 रुपया मामूली सा रकम है, लेकिन जो आम महिलाएं हैं, गरीब तबके की लोग हैं, उनको काफी फर्क पड़ने वाला, तो कैसे देखते हैं? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, जितनी भी हाउस वाइफ है उन्हें जरूर फर्क पड़ेगा 1000 रुपये से, बहुत पड़ेगा, बहुत सराहनीय है, बिल्कुल। उन्होंने जो किया है, जैसे बस की यात्रा का किया है, स्वास्थ्य का किया है, एजुकेशन का किया है, हर फल में जो किया है बहुत अच्छा किया है। आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया महिलाओं के लिए जो केजरीवाल जी ने किया, और जो केजरीवाल जैसा
देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं में अलग ही जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, नारी शक्ति की बात की जाती है, नारी वंदन अभिनंदन की बात की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल एक बहुत ही बड़ी बात की है। हर एक जो महिलाएं हैं दिल्ली की, उनको 1000 रुपये का जो एक रकम है वो देने का वादा किया है। क्या ये वाकई में ये वादा पूरा किया जाएगा या सिर्फ एक चुनावी एजेंडा बन के रह जाएगा? क्योंकि देखा जाए कि एक तरफ बीजेपी भी ऐलान कर रही है कि हम एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती किए हैं, तो वहीं दिल्ली में केजरीवाल का ऐलान है कि हम 18 साल से अधिक की महिलाओं को हम 1000 रुपया प्रदान करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई है और यहाँ पे नारी शक्ति केजरीवाल के साथ करी। हम इनसे क्या कहना चाहेंगे? सर, जो केजरीवाल ने किया है वो करा भी है, 1000 रुपये में बहुत हो सकता है। सही बात है, बच्चों के बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, हम ट्यूशन की फीस नहीं दे पाते हैं, तो उससे हमारे ट्यूशन की फीस भी जाएगी 1000 रुपए की, 2 बच्चों की तो जाएगी ना। इसलिए नेता हमारा केजरीवाल जी। इस बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली की महिलाएं किसके साथ खड़ी हैं? केजरीवाल के साथ, केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद वृद्ध महिलाओं की पेंशनें नहीं आ रही, जो गरीब है उनको न्याय नहीं मिल। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं, कैसे देखती हैं जिस तरह से केजरीवाल, एक मिनट में, जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली के महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की है, तो कैसे आप बुजुर्ग हैं, आप यहाँ पे आए हैं, तो कैसे आप केजरीवाल के इस काम को देखती है? इसी बात को आए हम कि हमें 1000 रुपए दे दो। हमारे केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, हमारी तो खैर होगी नहीं, लेकिन और महिलाओं के लिए जो फैसिलिटी मिली है उसके लिए हम केजरीवाल का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम इसके कार्यकर्ता हैं, इसके आम आदमी पार्टी के, और हम हर बार हर उसके प्रोग्राम में आते हैं, बस अरेंज करते हैं, मैं सब कुछ करके इनके प्रोग्राम में कहीं भी होते हैं। आप कैसे देखती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिला वंदन की है, महिला अभिनंदन की है, तो कैसे आप इस चीज को देखते हैं? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बात करती है, कैसे आप इसको देखते हैं? क्योंकि महिला में वो शक्ति होती है कि वो घर को भी मैनेज कर लेती है, जॉब को भी मैनेज कर लेती है और पूरी फैमिली को भी मैनेज कर लेती है। तो इसलिए हमारे सीएम केजरीवाल जी ने महिलाओं के हाथ मजबूत किए हैं 1000 रुपए दे के, ताकि वो अपनी शक्ति को और बढ़ा सके। काम कहते हैं कि बिन पैसे के कुछ नहीं होता, तो उन्होंने ये अमाउंट दे के उनके हाथों को इतना मजबूत कर दिया कि वो हर क्षेत्र में बहुत अच्छे से दौड़ेंगी, अभी भी दौड़ रही है और वो सपोर्ट कर रहे हैं महिला शक्ति। यहाँ पे और भी एक बुजुर्ग महिला है, मैं इनसे, अब अम्मा कैसा लग रहा है केजरीवाल जी आपको 1000 रुपए अकाउंट में? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, और साथ में हमें फिर ले जावे, हाँ रामलला के ले जाए, बने रहे इसके बच्चे और तरक्की होवे और बड़ा अफसर होना। दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल के साथ है? हाँ, हम तो पड़ोसी है, वो पहले बिहार में रहते थे। दिल्ली में 7 के 7 लोकसभा सीट है, लेकिन 7ों पे बीजेपी है, तो इस बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली की महिलाएं किसको वोट देंगी? केजरीवाल। हम विधान बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली की महिलाएं मौजूद हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम पूरे तरह से केजरीवाल के साथ खड़े, क्योंकि लगातार केजरीवाल नारी शक्ति की बात करती है, नारी अभिनंदन की बात करती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस तरह से लगातार चुनावी एजेंडा का कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये बोल रही है कि हम एलपीजी सिलेंडर का दामों में कटौती किए हैं, तो वहीं केजरीवाल दिल्ली के महिलाओं को 1000 रुपए देने का ऐलान करते हैं। तो ये आने वाले समय में बताएगा कि आखिर दिल्ली की महिलाएं किसको चुनती हैं और किसको अपना वोट देती हैं। कैमरामैन देवेंद्र साथ, मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।